का वीडियो एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है, कोई DIY या पेंटिंग वीडियो नहीं। अगर आप भी दिवाली के बाद घर में रखे एम्प्टी बॉक्सेस, गिफ्ट बॉक्सेस या पाउचेस के बारे में सोच रहे हैं जिनको डिस्कार्ड करना है, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर चेक कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चुनमुन क्राफ्ट्स में और मैं हूँ आपकी दोस्त अपर्णा। पहले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। आइडिया पुराना है पर बहुत काम का है। जी हाँ, यूज़ ऑफ एम्प्टी स्वीट बॉक्सेस। स्वीट बॉक्सेस के अंदर जो एक प्लास्टिक पैकिंग आती है वो सॉर्टिंग के लिए या सेक्शंस बनाने के लिए बहुत कामगार है। मैं कई सालों से इस तरह से अपनी बैंगल्स और दूसरी एक्सेसरीज को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इनको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहें और इनके नीचे एक टिश्यू की लेयर लगाएं ताकि आपकी जो एक्सेसरीज हैं वो सिक्योर रहें। और इस तरह के स्वीट बॉक्स में आप ये स्ट्रिंग्स, क्रिस्टल स्ट्रिंग्स और जो बीड्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये है हमारा सेकंड आइडिया, वॉच बॉक्सेस को एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना। एक वॉच बॉक्स से हम दो ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इसमें मैंने अपने लिपस्टिक्स को अरेंज किया है और ये एक और वॉच बॉक्स है जिसमें ब्रेसलेट को ऑर्गेनाइज किया है। अगर आपके पास कोई ऐसा वॉच बॉक्स रखा है तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये हमारा थर्ड आइडिया, यूज़ ऑफ ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। ऐसे बॉक्सेस दिखने में इतने सुंदर हैं कि इनको वैसे भी कोई डिस्कार्ड नहीं कर पाएगा, तो इसमें मैंने अपनी कुछ बैंगल्स या ब्रेसलेट्स को ऑर्गेनाइज किया है। और ये एक टिन बॉक्स है, इसमें आप अपनी कुछ और एक्सेसरीज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये है फोर्थ आइडिया, यूज़ ऑफ पेन बॉक्सेस। पेन बॉक्सेस अंदर से कुशन ही होती हैं, इसमें हमारी एक्सेसरीज बिल्कुल सेफ रहेंगी, तो आप निश्चिंत होकर इनमें अपनी एक्सेसरी स्टोर करें। और इसमें जो स्लॉट्स होते हैं उनमें आप अपने ईयर स्टड्स भी सेट कर सकते हैं। मैंने इन बॉक्सेस को एज इट इज़ यूज़ किया है, आप इनको कन्वर्ट करके ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। यूज़ ऑफ गिफ्ट बॉक्स, ऐसे बॉक्स में आप अपने चेंज और कॉइन्स को रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो हैंडी रहे। और ये है यूज़ ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस। ऐसे बॉक्सेस हम सबके घर में आते ही हैं, इसके अंदर जो चॉकलेट्स रखने के स्लॉट्स होते हैं उनको निकाले नहीं, उनमें अपनी ज्वेलरी एंड और एक्सेसरीज को स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ऐसे दो बॉक्सेस हैं और इनको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और ये कवर्ड रहते हैं तो मॉइस्चर से भी बचे रहते हैं, और इनको इस सेक्शंस होने की वजह से हम आसानी से कलर वाइज या किसी और तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, और जब हमें इनकी ज़रूरत हो तो ये हमें ईजीली मिल भी जाते हैं। मैंने इन्हें ओकेजन वाइज या कलर वाइज बीड्स, ऑक्सीडाइज्ड स्टोन्स इस तरह से सॉर्ट किया हुआ है। और ये नेक्स्ट आइडिया है, यूज़ ऑफ टिन बॉक्सेस। ऐसे टिन बॉक्सेस में हम अपनी साड़ी पिंस और सेफ्टी पिंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें से स्लॉट नहीं हटाया जाए तो इसमें हम सिंगल स्ट्रिंग वाले अपने ब्रेसलेट्स को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये भी एक चॉकलेट बॉक्स था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है डेकोपर्स से। इस पर मैं अपने कुछ कूपन्स रखती हूँ। और ये एक और ज्वेलरी का ही टिन बॉक्स है, इसमें मैं अपने छोटे मोटे कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और सिल्वर ज्वेलरी को स्टोर करती हूँ। आप चाहें तो इस पर डेकोपॉज करके इसे सुंदर बना सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक बॉक्सेस में भी हम अपनी एक्सेसरीज को रख सकते हैं। ये पुट्टी का बॉक्स है जो प्लेडो होता है बच्चों का, इसमें हम अपनी चीज़ों को आराम से सॉर्ट करके रख सकते हैं। और ये कुछ और स्टाइल्स हैं, कुछ अलग अलग साइज़ के बॉक्सेस हैं, उनमें आप अरेंज करके रखें अपनी एक्सेसरीज को, ज्वेलरी को आप बबल रैप में अच्छे से रैप करके रखें ताकि मॉइस्चर फ्री रहें। या फिर ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं, बस उनके नीचे हमें उसी साइज़ का स्पॉन्ज पीस कट करके लगाना है ताकि हमारी ज्वेलरी उसमें सेफ रहे। अपनी ज्वेलरी को हम प्लास्टिक पाउच में डायरेक्टली कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं ताकि वो मॉइस्चर फ्री रहें। ऐसी पेपर या क्विल ज्वेलरी को गहरे कार्डबोर्ड बॉक्स में स्टोर करें ताकि इसके पार्ट्स जो हैं इसके लिड्स के साथ टकराए नहीं और सेफ रहें। अपने ऐसे स्ट्रिंग्स को आप लंबे बॉक्स में, जैसे कोई पुराना आपका टैब का बॉक्स हो या
फ़ोन का बॉक्स हो उसमें स्टोर करें। अपने रिस्ट वॉचेस को ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में स्टोर करें, ये थोड़ा गहरा भी है और हैवी है। अपनी प्रेशियस ज्वेलरी को जैसे क्रिस्टल्स या रियल पर्ल्स, इनको आप हमेशा वेलवेट पाउचेस में स्टोर करें और उसके बाद किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में रखें। ये फ्रेजाइल होती हैं इसलिए इनको अलग अलग वेलवेट पाउचेस में रखना ज़्यादा अच्छा है। ऐसे स्पेक्टेकल बॉक्सेस में भी हम अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये अंदर से कुशनी होते हैं, इनके साथ कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि ये गहरे होते हैं इनमें हमारी ज्वेलरी बड़े अच्छे से स्टोर हो सकती है। तो ये थे कुछ ऑर्गेनाइजिंग टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया हो तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर सकूं। और एक टिप और, ऐसा ग्रासमेट या कारपेट ड्रेसिंग टेबल के साथ ज़रूर बिछाएं ताकि कभी ज्वेलरी हाथ से छूट के गिर भी जाए तो लुढ़ककर कहीं और ना जाए और आपको मिल जाए। चुनमुन क्राफ्ट्स को अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।